हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल। क्लास नाइन्थ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम जो हमारा पहला चैप्टर है, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ एवं महत्व। पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके अर्थ और महत्व से हम परिचित हो गए थे। आज हम इसके उद्देश्य करेंगे। उद्देश्य क्या होते हैं, सबसे पहले यही देख लेते हैं कि यहाँ पर है स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। तो जब हम स्वास्थ्य शिक्षा ले रहे हैं या स्वास्थ्य शिक्षा किसी को दे रहे हैं, तो उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य क्या होता है, अर्थात किन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए वो हम शिक्षाएं दे रहे हैं, तो उसको हम उद्देश्य कहते हैं। तो अर्थात फल की प्राप्ति ही उद्देश्य होता है। तो हम किन फल की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य शिक्षा ले रहे होते हैं वो हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें प्राप्त करनी होती हैं इस स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से। उसी को यहाँ पर उद्देश्य कहा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत व सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, कि लोगों में व्यक्तिगत व सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। स्वास्थ्य शिक्षा का पहला आयाम यही है, पहला कार्य यही है कि वह लोगों की पर्सनल हेल्थ और एक सोशल हेल्थ को बढ़ाए। तो व्यक्तिगत खुद की और सामाजिक अर्थात अपने परिवार की, अपने आस पड़ोस की और अपने समाज फिर देश की, तो इस तरह वो जागरूकता फैलाए, स्वास्थ्य शिक्षा की बातें बताए, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जो मुख्य मुख्य आदतें हैं वो अपनानी चाहिए उसको, खुद को सबसे पहले उसको खुद को ही अपना स्वास्थ्य सही करना है, फिर वो समाज के दायरे में जाकर लोगों के स्वास्थ्य को सही रखने में मदद कर सकता है। तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि लोगों के स्वास्थ्य और उसमें सुधार के लिए दिन प्रतिदिन जो कार्य हो रहे हैं वो हमें स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। तो पहला उद्देश्य यही था। नंबर दो, स्वास्थ्य शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है लोगों में स्वच्छता का महत्व या उनको स्वच्छता का महत्व समझाना। स्वच्छता का महत्व समझना कि लोग अगर अपने आसपास अपने घरों में साफ सफाई नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर वो बीमारियों को आमंत्रण दे रहे होते हैं। तो लोगों को यह समझना होगा कि स्वच्छता से ही स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो दूसरा उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से हम लोगों में एक स्वच्छता, अपने आस पड़ोस, अपने गांव, अपने राज्य, अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, जिससे हम अपने स्वास्थ्य, अपने बच्चों, परिवार के लिए एक स्वस्थ वातावरण तैयार कर सकें। नंबर तीन पर हम लिखते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए लोगों में एक जागरूकता पैदा करनी होती है। तो हमारा तीसरा पॉइंट है अच्छे स्वास्थ्य के प्रति रुचि। लोगों में अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, रुचि बढ़ानी होगी। उनको खेल एक्टिविटी या कोई व्यायाम, या कोई बुजुर्ग है तो वो योग प्राणायाम का सहारा लेकर उनके माध्यम से वो अपने स्वास्थ्य को सही व सुचारू रख सकते हैं। तो लोगों में स्वास्थ्य, ये सब ज्ञान स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ही आएगा। तो स्वास्थ्य शिक्षा का ये उद्देश्य भी है कि लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, क्या क्या क्रियाएं होती हैं वो उनको बताना, वो भी एक स्वास्थ्य शिक्षा का ही हिस्सा है। अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं, नंबर चार। स्वास्थ्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो हम नंबर चार पर लिख रहे हैं, रोगों की जानकारी व रोकथाम के उपाय बताना। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्वास्थ्य शिक्षा हमें यह ज्ञान देती है
सभी नहीं तो कम से कम जो नॉर्मल मुख्य मुख्य रोग होते हैं उनकी जानकारी हमें पता होती है, वो कैसे फैलते हैं, उनका निवारण क्या हो सकता है, रोकथाम के उपाय भी स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से हम कुछ रोगों या काफ़ी हद तक उनको पता लगा सकते हैं उनका। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हमें किसी बीमारी का पता है कि वो कैसे फैलती है तो हम उन आदतों को छोड़ सकते हैं जिनसे वो फैलती हो, वो ऐसे कार्य हम नहीं करेंगे जिससे वो रोग फैलता हो। तो अगर हमें रोगों की जानकारी या उसके फैलने के माध्यम ही पता नहीं होंगे तो हम उस रोग के शिकार हो सकते हैं। तो किसी रोग के प्रति जानकारी या उनके रोकथाम के उपाय से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो यह भी एक स्वास्थ्य शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नंबर 5, हमारे जीवन की जो आदतें होती हैं वो हमें काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, हमारे जीवन को भी और हमारे स्वास्थ्य को भी। तो हमें अच्छी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। तो स्वास्थ्य शिक्षा हमें ये सभी आदतें बताती है। स्वास्थ्य संबंधी आदतें, तो स्वास्थ्य संबंधी आदतें हमें अपनानी चाहिए। तो स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से यह हमें पता चलता है कि स्वास्थ्य या अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बीमारियों से दूर रखने के लिए हमें कुछ आदतें अपनानी पड़ेंगी। रोज़मर्रा के दिनचर्या के जो कार्य होते हैं उनमें हम कई बार गलतियां कर देते हैं, तो उनमें हमें सुधार करना होगा। तो यह भी स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है कि लोगों में अच्छी आदतों का समावेश करना, अच्छी आदतों के प्रति उनको सचेत करना। नंबर 6 पर हम लिख रहे हैं एक डाइट प्लान। स्वास्थ्य शिक्षा हमें डाइट प्लान के बारे में बताता है कि हम कुपोषण का शिकार हैं या कुछ बीमारी से पीड़ित हैं तो उस समय हमें कैसे आहार लेना चाहिए। तो 6ठा हमारा पॉइंट है आहार का चयन, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं भोजन। तो स्वास्थ्य शिक्षा अच्छा आहार, अच्छा भोजन करने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो एक खिलाड़ी को कैसा आहार लेना चाहिए, एक घरेलू व्यक्ति को कैसा आहार लेना चाहिए, या कोई अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रोगों से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसको कैसा आहार लेना चाहिए, तो यह भी हमें स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से पता चलता है। तो आहार के बारे में बताना भी स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है। नंबर 7, कई बार हम गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं तो उसके लिए हमें नियमित तौर पर चेकअप करवाना चाहिए। तो स्वास्थ्य शिक्षा हमें यही बताती है कि जो भी हम जांच करवा रहे हैं वो किस अंतराल पर करवाएं, किस दृष्टि से हमें करवानी चाहिए, या कोई गंभीर प्रोफेशन जैसे कोयले की खानों में काम करने वाले, सीमेंट उद्योग में काम करने वाले, या कोई मिट्टी जहां पर प्रदूषण ज़्यादा है वहां पर काम करने वाले को अपने स्वास्थ्य की जांच नियमित करवानी चाहिए, तो वह भी हमें स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से पता चलती है। तो स्वास्थ्य संबंधी जांच, स्वास्थ्य संबंधी जांच, ये भी हमें स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से पता चलती है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य लोगों का बना रहे, तो उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य को जांचने के लिए या जांचने के बाद ही पता चलता है कि उसको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, तो यह भी हमें नियमित तौर पर करवाना चाहिए। तो कई गवर्नमेंट जॉब होती हैं उनमें नियमित जांच होती है, जैसे आर्मी, जो भी पुलिस फोर्स होती है, तो उनकी नियमित साल में या 6 महीने में एक बार अवश्य जाँच की जाती है पूरे शरीर की। तो उस दौरान कोई गंभीर बीमारी हो, आगे चलकर भविष्य में कोई हम गंभीर बीमारी का शिकार ना बने, तो उससे हमें पता चलता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और नंबर 8 और लास्ट हम लिखेंगे कि हमारा देश एक विकासशील देश है, विकसित होने में इसको अभी और समय लगेगा, तो लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें कुछ उनको सुझाव देने चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए, और वो देते भी हम टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। तो एक नागरिक दायित्व होता है, नागरिक दायित्व क्या होता है कि हम सब कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं अपने देश के नागरिकों को, मगर तब भी वो कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं। कि एक मैं उदाहरण देता हूँ कि कहीं पर गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, उनकी दीवारों पर लिखा होता है कि यहाँ मत थूकें या यहाँ पर पेशाब करना मना है, तो कई लोग होते हैं जो अपने देश के प्रति जिन्हें ज़्यादा रुचि नहीं होती, तो वो वहीं पर जाकर वो कुछ
वो करते हैं जो वहाँ मनाही होती है उसका करने के लिए। तो नागरिकों को ये समझना होगा कि हमें सामुदायिक दृष्टि से, एक समाज की दृष्टि से कैसे रहना है। तो नागरिकों का भी एक अपना खुद का दायित्व तो बनता है कि हमें साफ सफाई अपने समाज की, अपने शहर की, अपने गांव की कैसे रखनी है। तो यह लोगों को समझना होगा, अपने अंतर्मन में उनको बिठाना होगा कि हम अगर सही कार्य करेंगे तो सब कुछ सही होगा, एक राष्ट्रीय स्तर पर हम ऊंचा उठेंगे। तो यह भी एक नागरिक दायित्व है। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत ये भी हम लोगों को ज्ञान देते हैं कि कहाँ पर क्या करना है, कहाँ क्या करना है। शौच मुक्त आजकल ये अभियान चलाया हुआ सरकार ने कि हर घर में शौचालय रहे। तो वह यही कारण होता है कि शौचालय अगर घर के अंदर ही रहेगा तो बाहर जो लोग जाते हैं वहाँ पर बीमारियाँ फैलने का जो खतरा है, जो संक्रामक रोग है, वो कम हो जाएगा। तो मगर काफ़ी जो सरकार के अभियान हैं उनको लोग दरकिनार कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और एक अच्छे नागरिक की भूमिका हमें निभानी चाहिए। तो ये कुछ उद्देश्य थे जो स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से हम इनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे आज का टॉपिक यही था, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य। तो आज हमने ये कुछ जाने। अगर आप भी इनके अलावा कुछ उद्देश्य लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इनको अच्छे से नोट करें, अच्छे से समझें। थैंक यू।